धन्नत साहब, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे आगे एनआईए की जांच किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल जो विकास बता रहे हैं उनके जवाब चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा संदेह है प्रदीप शर्मा पर, वो ये कि उनके इलाके में ही मीटिंग होती है, मर्डर से कुछ दिन पहले ही मीटिंग होती है और बाजे वहीं पाए जाते हैं, यानी उनका लोकेशन वहीं ट्रेस किया जाता है। ये जो केस है इसके अंदर एक बात समझ ले कि एक्सप्लोजिव एक्ट के बेसिक सेक्शंस लगे हुए हैं, उसके अलावा 302 आईपीसी मर्डर केस हिरेन की हत्या का लगा हुआ है और सबसे बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B आईपीसी के तहत इसके अंदर कलम लगे हुए हैं। तो हर मामले में ये बड़ा संगीन जुर्म है और बहुत ज़्यादा तहकीकात इसमें तय तक होना निश्चित है और उसी प्रकार से वो होगा। लेकिन ये सिर्फ एंटेलिया का मामला नहीं है। आप अगर एंटेलिया के बगल में देखें तो केनिथ वर्थ नाम की एक बिल्डिंग है जो कि डॉक्टर होमी बाबा का घर हुआ करता था, उन्होंने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया अपने बिल में। आज वहां पे भारत के सबसे ऊंचे स्तर के एटॉमिक साइंटिस्ट रहते हैं जी। इस केस में अगर आपको पता हो तो एक ईमेल तिहार जेल से जारी हुई है, बंबई के भिवंडी एक सबर्ब में कुछ दिन पहले डिटोनेटर के साथ जिलेटिन बरामद हुआ है जी। उसके बावजूद जो यूरेनियम मतलब एटम बम बनाने के लिए लगती है मेटल, उसकी भी केस हाल ही में हुई है। तो एनआईए जो एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट है उसके अंदर तहकीकात कर रही है, बेसिकली ये तहकीकात थोड़ी धीमी जरूर महसूस होगी, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब चलता है तो इसी प्रकार से कड़ी जुड़कर जब चेन ऑफ एविडेंस बन जाती है तब उसमें ऐसे आरोपियों को अरेस्ट होने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता और वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है कि जो आदमी अब तक इनविजिबल है और जिसके बतौर हुकुम कहने के मुताबिक प्रदीप शर्मा हो या वजह वो या यूनिफॉर्म के पुलिस ऑफिसर एक गैंगस्टर के मामले काम कर रहे थे। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं धन्ना जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एंटीलिया नहीं, उसके बगल की जो बिल्डिंग है उसको भी ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।